तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा आज यहाँ से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और पूरा का पूरा समझ सकते हो। और आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर है जिसे कि आज मैं यहां से आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो यहां से आप लोग देख ले, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी का पेपर है। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है तो यहां पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और देखिएगा टोटल आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके टोटल 8 पेज प्रिंटेड होंगे और टोटल आपका 80 नंबर का हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लें ताकि आप सभी को पूरा का पूरा कक्षा 11 का हिंदी का पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा ये आपके सीरियल नंबर दिए गए हैं और इस प्रकार का आपको पेपर में बार कोड भी देखने को मिलेगा। तो टोटल इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पेपर में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा किस प्रकार का आपका पेपर होगा, A to Z क्वेश्चन बताऊँगा आपको मैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में मिलने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है कि सही विकल्पों का चयन करके आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, चिरागा किसके लिए तय था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा हर एक घर के लिए। चिरागा किसके लिए तय था, हर एक घर के लिए तय था, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, जहां कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहां अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। यहाँ से आप सब लोग देख लें, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोने का किला किसकी रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, सोने का किला जो है ना, ये सत्यजीत राय की रचना है। यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्र का तद्भव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, क्षेत्र जो शब्द है ना, इसका तद्भव रूप क्या होगा, खेत होगा। क्या होगा, खेत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मधुबनी जो चित्रकला है ना, ये मिथिला प्रांत की है। किसकी है, मिथिला। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर्कुलर जो शब्द है ना, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं परिपत्र। तो यहाँ से आप लोग नोट कर ले, परिपत्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इधर आ जाते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहां से इनको देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मर्सिया का अर्थ होता है। तो देखिएगा, मर्सिया जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, शोक गीत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शोक गीत। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, छायावाद के प्रथम आधार स्तंभ कवि है। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें 4 कर लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, विदाई संभाषण व्यंग पर लिखी गई रचना है। तो देखो यहाँ से आपको करना है, इसके ऊपर लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखी गई यह रचना है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, मुतमईन का अर्थ है। तो देखो, मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त कर देना। तो ये राइट आंसर ये होगा इसका। तो ऐसा आप सब लोग यहाँ तक इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे।
उसके बाद मैम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संगीत के क्षेत्र में लय तीन प्रकार की होती है। तो ये क्या लिखना है यहाँ से आपको, तीन, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहा जाता है फीडबैक। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से पूरे पेपर को देख लेंगे और पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें आप लोग अच्छे से। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अधिकतर प्यारे विद्यार्थियों पेपर में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीन जो होगा ना, इसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देखें और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर पे लिखा है कविता का गांधी। तो देखो कविता का गांधी किसे कहते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो। तो देखो इसको कहते हैं माधुर्य गुण। क्या कहते हैं इसको, माधुर्य गुण। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद की जोड़ी मिल जाएगी कायाकल्प से। उसके बाद में तुम भी आ गए, इसकी जोड़ी मिलेगी निपात शब्द से। उसके बाद घूमर, तो देखो घूमर जो है एक राजस्थानी नृत्य है, तो इसकी जोड़ी आपको किससे मिलान कर लेनी है, राजस्थान से। उसके बाद में स्क्रूटनीकरण, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी एनकोडिंग से। किसकी मिलेगी, से एनकोडिंग से। तो ऐसे आप सब लोग यहां तक के इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको प्यारे विद्यार्थियों बता रहा हूं ना, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहां से आप लोग इसको इस प्रकार से देख ले पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां से आप लोग देख लें इसको और पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर चार जो लिखा ना, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, मानव शरीर का निर्माण किन पांच तत्वों से हुआ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से हुआ है। तो यहां से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, अनुभव के कितने प्रकार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुभव के सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, ये इसके प्रकार होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताए हैं। तो ऐसे आप सब लोग इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत मित्र के संपादक कौन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत मित्र के संपादक है पंडित हरमुकुंद शास्त्री। कौन है, पंडित हरमुकुंद शास्त्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है इनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका नाम होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, भाषा की छोटी इकाई विभाषा कहलाती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसा पानी जो वर्षा के माध्यम से धरती के नीचे चला जाता है लेकिन किन्हीं कारणों से भूजल में नहीं मिल पाता है, उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुस्मारक और स्मरण पत्र में क्या अंतर है। तो देखो किसी भी विषय को याद दिलाने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहलाता है। यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। तो देखिएगा यहाँ तक का मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर पाँच जो होगा ना, इसमें आप सभी को इस प्रकार से सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पास पंजाबी साहित्य के कवि है। तो बिल्कुल सत्य होगा, तुम बरस लो वो ना बरसे, मैं यमक अलंकार है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्यता, बिल्कुल सत्य बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये भी सत्य है। रंगोली अल्पना चित्र के रूप में है, तो देखो ये भी सत्य होगा। पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन पे ले खेला जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे इनको। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर छः को पढ़ लें, सात को पढ़ लें, आठ को पढ़ लें, नौ को पढ़ लें, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें प्यारे विद्यार्थी। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो आप अभी तक इतना पेपर देख लें जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से देख लें इन क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया है, बारहवां क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद में तेरहवां क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे।
उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में 15वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। पूरा का पूरा देख लें यहाँ तक का आप लोग। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ और उनका पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो देखिएगा बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो प्रश्न नंबर 17 ही लिखा है, इसको देख लें आप सब लोग। 17 के बाद में 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद में 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग देख लें यहाँ तक का। 19वें के बाद में इसका अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ तक का देख लें, ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ तक का देख लें आप सब लोग और इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको पूरा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। इसका अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है और 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। अगर आपको कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।